अरे भीख दे दो बेटा, मालिक भला करेगा। अरे भीख दे दो बेटा, ऊपर वाला भला। हेलो बाबा जी, 20 रुपए मेरे तो लेते हैं, 100 रुपए तो दो कम से कम। मेरे दोले तो इतने हैं, लेने तो ले नहीं लेंगे, वापस ले सकते हैं। ना ना, रेंट रेंट रेंट। अरे भीख दे दो बेटा, ऊपर वाला भला करेगा। अरे कहाँ जा रही हो मैडम, भीख तो देती जाओ। भिखारी को अनदेखा करके कहाँ जा रही है तू स्कूल में? अरे बेबे आती करती रही, मोटी दादी है, दो हाथ मेरे दे रखे हैं, दो हाथ पैर मेरे दे रखे हैं। तो वो तो ठीक है, पर मैं तो भिखारी हूँ, भीख चला। मैं पीछे
भूख लग रही है, खानों का डिब्बा तो दे दे, नहीं तो रुपया दे दे, कुछ खा लेंगे। अरे मैंने तो समझ को नहीं आने लग रही, 3 घंटे का पेपर है, तुम्हारे पेट में कीड़े कूदते हैं। यह स्कूल में रोटी भेजी हूँ, रोटी खा लेना। ठीक है माँ, रोटी लेके आई हूँ स्कूल में। चल ठीक है, मैं रोटी लाऊंगी, हम पेपर अच्छे से कर लेना। ठीक है माँ, रोटी लाना, भेजी हूँ याद से। ढंग से चलना, लड़के की तरफ मत देखना। इस बार हमने पास कर दिए, तीसरी बार पेपर देने जा रहे हैं। पापा जी पास तो हम पिछली बार हो जाते, के करें, मास्टर जी ने हमारी पर्ची भी पकड़ ली। इस बार ऐसा मास्टर जी हमारी पर्ची ना पकड़ सके, नहीं तो हमारी माँ शादी करा देगी। हमारी 3 साल हो गए फेल होने होने, अगर इस बार फेल हो गए तो हमारी माँ शादी करा देगी, हमारी पता नहीं किसके पल्ले मार देगी। बेटा कुछ ये माता रानी पास कर दी है। किमे पटो और तो आवर बेटा, किमे समझ ना क्या करो ना, पढ़ने के बाद आएगा, करो करो। रोटी ले जाऊंगी, किस्मत खराब है माँ, खाना ले जाऊंगी। पास होना है, 3 घंटे के पेपर में भी इन्हें खाना चाहिए। पता नहीं बेरंग कहाँ आई। मैडम जी। हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैम जी मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है, दीक्षा और प्रीति। क्या नाम है जी? दीक्षा प्रीति। दीक्षा प्रीति, हाँ। ये पिछाड़ी अच्छी कर रही है, ये देख लो। पेपर कर लिए तुमने? इनके कार्ड बताऊं? ये देख लो, ये देखो। मैं बन्ने मरवाऊंगी, मैं बन्ने मरवाएंगी दोनों। ये लटला एक बार, ये दोनों मरवाएंगी मेरे को। हमने मेरे पेपर पत्थर भेजा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
बेटा तू समझा गया मास्टर ने मैडम ने माँ मैं तो बच्चे समझा के भेजती दम दम उन्होंने कोई बात नहीं बेटी कोई बात नहीं मैडम जी मैडम जी इस बार मेरी इज्जत रख लियो मेरे मायके में ना इतनी घनी बेइज्जती होने लग रही है छोरियों के पीछे के भी माँ ने कैसी बेटियां पैदा कर दी 3-3 साल हो गए क्लास में मैडम जी मेरी इज्जत रख ढेर हो रहे हैं। अच्छा जी आपके सिर में डलवा देती हूँ। हाँ
आपस में बातें कर रही हो, मैं बच्चों की माँ बैठी हूँ। मेरे को डलवानी है, मेरे को किसी तरह डलवा दो जी, मेरा कोई भी कटिंग नहीं कर रहा है बालों की। नहीं कर रहा? नहीं। बता दो जी, थोड़ा सा हेल्प कर दो दीदी, कह रहा जी थोड़ा सा। फिर उनके बालों की, तो फिर मैं एक जूं के 10 रुपए लूंगी और एक लीक का 1 रुपया, और वो छोटे वाली जूं होती है उसके मैं 8 रुपए लूंगी। दीदी ये तो गलत बात है, देखो एक डेरे के मैं 5 रुपए दे सकती हूँ आपको। कटिंग नहीं करा रहा, मैं तो कटिंग करवा लूंगी जी। चल ठीक है, आज बैठ जा, पीछे में बैठ जा और ना सिर ऐसे बिड़ा लो बस। देखो अब हो रहा है ये डाटा ट्रांसफर, ठीक है? हाँ, अब इनके बालों की हो जाएगी कटिंग। हाँ, ठीक है, आया आपको मजा? सिर में खारिश होने लगी? हाँ, करके हाँ, दिखाओ फटाफट, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मजा आ जाए। चेक दोगे? ठीक है, चेक दे देना आप मुझे, और मैं 1 किलो सेब दो मैं पैक करूंगा।